ओके दोस्तों, तो आज हम देखने जा रहे हैं जिमरमैन टेक्सलर ट्रांजिशन स्टेट इन अ स्टेरियो सेलेक्टिव अल्डोल रिएक्शन। ओके, तो स्टेरियो सेलेक्टिव अल्डोल रिएक्शन में एक ट्रांजिशन स्टेट जो हम निकालते हैं उसको जिमरमैन टेक्सलर ट्रांजिशन स्टेट से कहा जाता है। तो ये हम देखेंगे कि तीन डिफरेंट बुक में अलग अलग वे से बताया हुआ है, कैरोथर्स, क्लेडन और नांस की बुक जो है हमारी रेफरेंस बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, तो उसमें अलग अलग है। तो हम उसको सॉल्व करेंगे कैसे है और कैसे प्रोडक्ट तक हम पहुंचते हैं। तो इससे पहले हमने देखा था कि सिस इनोलेट एंड ट्रांस इनोलेट, ओके, ये बनता है आपके अल्डोल में पहले स्टेप में जब बेस लेते हैं एलडीए, तो आपको सिस या ट्रांस इनोलेट मिलेगा। तो हम उसके आगे अब जिमरमैन ट्रेक्सलर पे जाने वाले। तो इससे पहले के वीडियो में हमने देखा था कि सिस इनोलेट जो देता है वो सीन प्रोडक्ट देता है, और ट्रांस इनोलेट जो कि यहाँ पे आपके सामने है, ट्रांस इनोलेट आपको क्या देगा, तो ये देगा आपको एंटी अल्डोल। ओके, तो एंटी अल्डोल आपको देगा। सो ट्रांस इनोलेट आपको एंटी अल्डोल देगा। तो एंटी मतलब यहाँ पे आपका मिथाइल और ओएच देख सकते हैं यहाँ पे, तो दे उनका जो ज्योमेट्री है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, जैसे कि मिथाइल डॉटेड पे तो ओएच सॉलिड पे है, प्लस उसके साथ इसका इनेंशियोमर जो है मिथाइल सॉलिड और ओएच डॉटेड ये मिलता है, मतलब आपको जो एंटी मिलेगा वो प्लस और माइनस एक साथ ही मिलेगा, प्लस माइनस एक साथ ही मिलेगा। तो ये कैसे मिलता है और ये स्टेरियोकेमिस्ट्री अब कैसे मिलेगी, तो वो हमको देखना है जिमरमैन ट्रेक्सलर ट्रांजिशन स्टेट। तो यहाँ पे हम देखेंगे कैरोथर्स की ट्रांजिशन स्टेट और उसके बाद क्लेडन की देखेंगे और नांस की, तीनों वे से हम सॉल्व करेंगे। बच आपको समझ में आता है वही ट्रांजिशन स्टेट आप यूज़ कीजिए जो भी आपको इजी है। तो मैकेनिज्म में हमारे पास जो इनोलेट है, तो इनोलेट जो है हमारा ट्रांस इनोलेट, ट्रांस ये इनोलेट जिसपे ओ एल आई है, यहाँ पे आर ग्रुप या एक्स ग्रुप कोई भी है, और ये आपका मिथाइल है, ठीक है। तो ये आपका ट्रांस इनोलेट प्लस आपका कोई भी अल्डिहाइड हो, यहाँ पे बेंजाल्डिहाइड हमने यूज किया है, तो ये अब अटैक करेगा ओ एल आई माइनस डबल बॉन्ड की तरफ से अटैक करेगा। तो जिमरमैन ट्रेक्सलर के लिए हमको क्या चाहिए कि वो सिक्स मेंबर ट्रांजिशन स्टेट होता है। जिमरमैन ट्रेक्सलर जो है सिक्स मेंबर ट्रांजिशन स्टेट होता है, और सिक्स मेंबर कौन से फॉर्म में रहेगा, तो इट इज अ चेयर फॉर्म। ओके, तो हम यहाँ पे चेयर फॉर्म एक इमेजिनरी ड्रॉ करेंगे ताकि हम उस पर हमारे ये इनोलेट या अल्डिहाइड उस पर ले सके, ठीक है। तो ये हमारा इमेजिनरी चेयर हो गया जिसपे हमको इनोलेट और अल्डिहाइड ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अल्डिहाइड और इनोलेट जो ऐड करने वाले हैं, तो पहले आपको जो इनोलेट है वो फिक्स करना है चेयर पे। तो डबल बॉन्ड आपको पहले शुरू में फिक्स करना है। तो डबल बॉन्ड फिक्स करने के लिए आपके जो पास छः जगह है, छः बॉन्ड है ये चेयर फॉर्म के, तो छः में से कोई भी आप एक बॉन्ड पे डबल बॉन्ड ले सकते हैं। ओके, यही डिफरेंट बुक्स में दिया है, ठीक है। तो हम यहाँ पे पीछे की तरफ यहाँ पे डबल बॉन्ड हम लेते हैं, ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिया, डबल बॉन्ड इनोलेट का लिया, ठीक है, और यहाँ पे उसको ही आगे बढ़ा के ऑक्सीजन ले लिया, क्योंकि वो डबल बॉन्ड पे ओ प्रेजेंट है, और ओ के साथ उसका मेटल जो है लिथियम आपको इस चेयर में लेना है। तो ये हो गया डबल बॉन्ड ओ एल आई, तो डबल बॉन्ड ओ एल आई हो गया। अब ओ एल आई जिस कार्बन पे अटैच है वहाँ पे आर ग्रुप भी है, और आर ग्रुप यहाँ पे हम नीचे की तरफ लिखेंगे, और आर ग्रुप अगर नीचे लिखते हैं तो आर और ये मिथाइल ग्रुप सेम डायरेक्शन में है, या हम कह सकते हैं कि ओ एल आई यमी ये अपोजिट, इसलिए ट्रांस इनोलेट। तो ओ एल आर मिथाइल ग्रुप अपोजिट चाहिए, इसलिए मिथाइल हमारा ये इक्वेटोरियल जैसा दिख रहा है, हम इसको कहेंगे सुडो इक्वेटोरियल मिथाइल ग्रुप, और जो एक एटम बाकी है वो है हाइड्रोजन। तो इस तरीके से हमने इनोलेट यहाँ पे फिक्स कर दिया, ठीक है। तो ये चेयर फॉर्म में चार जो कार्बन होते हैं चेयर के, उसकी जगह हमने इनोलेट फिक्स किया। अब इनोलेट जो रिएक्ट करने वाला है वो है आपके अल्डिहाइड के साथ, तो अल्डिहाइड को आपको यहाँ पे लाना पड़ेगा अटैक करने के लिए। तो अल्डिहाइड को कौन लेके आएगा, तो ये जो लिथियम है
वो लिथियम ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा, ओके, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ चिलेट फॉर्म करेगा। ऑक्सीजन अकेला नहीं आएगा, तो ऑक्सीजन कौन है, तो ये कार्बोनिल ऑक्सीजन है, ओके, तो ये ऑक्सीजन कार्बोनिल वाला ऑक्सीजन है, ठीक है। और ये कार्बन जो है, यहाँ पे दो बॉन्ड होते हैं, ठीक है, कौन से दो बॉन्ड, तो ये पीएच है और हाइड्रोजन है, तो ये आपको डिसाइड करता है कि मेजर प्रोडक्ट कहाँ से बनेगा। अगर बल्की ग्रुप यानी पीएच अगर एक्सियल जाता है, सुडो एक्सियल, तो वो आपको माइनर प्रोडक्ट देगा। अगर वो इक्वेटोरियल पे आता है यहाँ पे, तो ये आपको देता है मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे हाइड्रोजन, तो ये आपको मेजर प्रोडक्ट। और इसी ट्रांजिशन स्टेट को हम कहते हैं जिमरमन ट्रेक्सलर ट्रांजिशन स्टेट। सो ये ट्रांजिशन स्टेट कौन सा हो गया, जिमरमन ट्रेक्सलर ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। अब यहाँ से आगे क्या करना है हमको, और हमारा प्रोडक्ट जो एंटी मिलता है वो कैसे मिलेगा हमको देखना है। तो अटैक यहाँ से आपको बताना है, अटैक स्टार्ट होता है ओ एल आई बॉन्ड से। तो ओ एल आई बॉन्ड, ओ माइनस एन एल आई प्लस हम कहते हैं, तो ये जो बॉन्ड है वो आगे बढ़ेगा। तो पहला अटैक आपको करने के लिए ओ एल आई बॉन्ड को तोड़ दिया, तो इस कार्बन पे एक नया बॉन्ड फॉर्म हो गया। तो ये कार्बन पे नया बॉन्ड फॉर्म होता है, तो डबल बॉन्ड आगे बढ़ेगा, क्योंकि इफ़ यू मेक वन यू हैव टू ब्रेक वन। तो ये आगे बन गया, यहाँ पे नया बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा, ओके। अगर ये जो नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाता है कार्बोनिल के साथ, तो कार्बोनिल के भी बॉन्ड बढ़ जाते हैं, इसलिए कार्बोनिल ऑक्सीजन ब्रेक होके ओ एल आई की तरफ जाएगा, तो ये एल आई की तरफ चला गया। तो ये इस तरीके से आपका अटैक यहाँ पे बताना है, तीन एरो, ठीक है। तो ये होने के बाद तो आपको नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो आपको निकालना है सोहर्स में मिलेगा। तो आपका जो नया बॉन्ड बना है, इसमें से कार्बन कार्बन नया बॉन्ड, तो यहाँ पे देखेंगे तो ये जो इनोलेट का कार्बन है और ये जो फिनाइल ग्रुप का कार्बन है, ये नया बॉन्ड देगा। तो आपको यहाँ से क्रॉस लाइन निकालना है, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस लाइन निकाल दी है थोड़ी, क्योंकि ये नया बॉन्ड बना आपका। अब बच्चे के ग्रुप जैसे है वैसे ही हमको ऐड करना है इस नए बॉन्ड पे। तो हम पीछे वाला कार्बन देखेंगे, तो पीछे वाले कार्बन पे एच जो है वो कहाँ पे है, ऊपर की तरफ है। मिथाइल ग्रुप कहाँ पे है, तो वो भी जैसे है वैसे ही है, ठीक है। और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो सिंगल बन गया, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन था वो डबल बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे आर ग्रुप नीचे की तरफ है, तो ये आपका बन गया पीछे वाला कार्बन। तो उसका शेप कैसा है, तो उसका शेप जो है वो इन्वर्टेड वाई है। अभी देखेंगे ये ब्लू वाला कार्बन जो फ्रंट कार्बन था, फ्रंट कार्बन, तो उसी में आपको क्या करना है, फ्रंट कार्बन पे आपको ऐड करना है फ्रंट कार्बन। तो यहाँ पे हम शेप देखेंगे, तो ये वाई शेप जैसा दिख रहा है फ्रंट कार्बन, तो वाई शेप बना देंगे यहाँ पे, ओके, ये वाई शेप हो गया। वाई में हाइड्रोजन नीचे है, ये ओ एल आई बन गया, और ये पी एच लेफ्ट हैंड पे ही है। तो ये आपका एक सौ हॉर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूले जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। तो ये कब से कहाँ से मिला, तो ये आपको सिक्स मेंबर चेयर फॉर्म से मिला है, ठीक है। अब इसके आगे आपको रोटेट करना है, और कार्बोनिल को आप लेके जाना है या डाउन लेके जाना है, आपके प्रोडक्ट से वो डिसाइड होगा। तो मैं यहाँ पे कार्बोनिल को डाउन या अप, तो यहाँ पे हमारे प्रोडक्ट में अप दिया है, तो हम अप लेके जाएंगे, ठीक है। तो बीच वाला कार्बन एज इट इज, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, ठीक है, ये बीच वाला जो नया बॉन्ड बना है वो हमने निकाला है। अब बैक कार्बन जो रेड कलर का था, वो रेड कलर से हम वैसे ही निकालेंगे लेकिन रोटेशन के बाद। तो मुझे ऊपर कार्बोनिल ग्रुप चाहिए, सी डबल बॉन्ड ओ आर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पीछे वाला कार्बन 120 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना पड़ेगा। तो मैं उल्टा रोटेट करूँगा, तो कार्बोनिल अप आ गया, और बाकी ग्रुप आपको देखना है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन चला जाएगा, यहाँ पे मिथाइल चला जाएगा, ठीक है। तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन बैक कार्बन किया। वैसे हमको फ्रंट कार्बन भी
रोटेट करना है, जहाँ पे जो एल्डिहाइड का ग्रुप से, यहाँ पे हमारे पास फिनाइल ग्रुप है या कोई भी ग्रुप है जो बल्की है एल्डिहाइड में, तो वो उसको नीचे लेके आना था, मतलब यहाँ पे फिनाइल हो गया, ठीक है। और शेप बनता है यहाँ पे वाई शेप, ये बन गया वाई शेप। तो फिनाइल अगर एंटी क्लॉकवाइज आप नीचे लेके आते हैं तो हाइड्रोजन चला जाएगा राइट हैंड साइड पे, ओ एल आई जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे। तो ओ एल आई वाटर में डालेंगे तो आपका क्या बनेगा, ओ एच बनेगा। तो यहाँ पे ओ एल आई लिख सकते हैं या उसकी जगह ओ एच डायरेक्टली लिख सकते हैं। अब इससे हमको निकालना है जिगजैग स्ट्रक्चर, यानी फाइनल प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर निकालना है। तो कैसे निकालना है, तो इस न्यू 100 हर्ट्ज को आपको व्यू करना है, ठीक है। तो ये व्यू कैसा करेंगे, तो एक तो आपको मॉलिक्यूल में जाके देखना पड़ेगा, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चला जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अब खड़ा हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे खड़ा हूँ। और एक शाहरुख खान की स्टाइल आपको पता है, तो वो स्टाइल शाहरुख खान की स्टाइल यहाँ पे आपको करना है, और आपके हाथ फैलाना है यहाँ पे, ठीक है। तो फैलाएंगे तो क्या होगा कि आपका लेफ्ट हैंड रेड रेड बॉन्ड्स की तरफ जाएगा और राइट हैंड जो है वो ब्लू की तरफ जाएगा। तो आपके लेफ्ट हैंड की तरफ कार्बोनिल दिखेगा, तो कार्बोनिल कहाँ पे है, फिर से ये कार्बोनिल आपको लेफ्ट हैंड पे दिखेगा। तो आपका स्ट्रक्चर बनेगा लेफ्ट हैंड पे कार्बोनिल, और वो भी अपवर्ड जा रहा है, ठीक है। कार्बोनिल अप, और उसी के साथ ये आर ग्रुप है, ये आपका नया बॉन्ड जो बना हुआ है वो, और पीएच कहाँ चला जा रहा है, पीएच ये नीचे चला जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका जिगजैग में ओरिएंटेशन कैसा है वो दिखेगा। तो इसके साथ अब आप इस मॉलिक्यूल के लेफ्ट साइड से देख रहे हैं, तो आपके सामने कौन दिख रहा है, तो आपके सामने ये दो ग्रुप दिख रहे हैं, जो लेफ्ट हैंड पे है वो हाइड्रोजन है। अगर मैं हाथ फैलाऊंगा तो लेफ्ट हैंड पे मुझे हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, राइट हैंड पे ओ एच दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो राइट हैंड ओ एच ये आपके सामने आ रहा है, सामने आ रहा है मतलब आपको उसको सॉलिड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सॉलिड ओ एच लिख दिया, और कार्बोनिल वाले कार्बन पे जो है नीचे हाइड्रोजन सामने, तो मिथाइल कहाँ दिख रहा है आपको, मिथाइल ग्रुप आपसे दूर चला जा रहा है, दूर चला जा रहा है मतलब कि वो डॉटेड पे रहेगा, आपसे दूर रहेगा। तो ये आपका हो गया प्रोडक्ट, एंटी प्रोडक्ट, ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट रहेगा, एंटी प्रोडक्ट, ये आपका मेजर प्रोडक्ट एंटी प्रोडक्ट रहेगा। अब यहाँ पे हमने देखा कि दो प्रोडक्ट मिलते हैं, तो हमको तो फर्स्ट इसका मैकेनिज्म मिल गया, ये पहला वाला एंटी, तो ये दूसरा वाला कैसे आएगा, ये दूसरा वाला कहाँ से आएगा, वो हमको देखना है। तो उसके लिए अगर मैं मॉलिक्यूल को राइट हैंड से देखता हूँ, यानी यहाँ चला जाऊँगा अभी मैं, ठीक है, ओके आ गया मैं। अब फिर से शाहरुख खान स्टांस से हाथ फैलाना है, तो राइट हैंड पे आपके रेड जो कार्बन है वो दिखेगा, लेफ्ट पे ग्रीन वाला दिखेगा। तो मैं यहाँ से अगर देखता हूँ तो मुझे कार्बोनिल कहाँ दिखाई देगा, कार्बोनिल जो है वो मेरे राइट हैंड पे, ओके राइट हैंड पे यहाँ पे मैंने निकाल दिया आर ग्रुप, और पीएच मुझे लेफ्ट हैंड पे दिखाई दे रहा है, यस ओके। अब फ्रंट में कौन दिखाई देगा, तो फ्रंट में मुझे मिथाइल ग्रुप, ठीक है। तो ये देखिए ये मिथाइल ग्रुप जो है वो फ्रंट में मुझे दिखाई देगा, और ओ एच कहाँ पे, डॉटेड पे, ठीक है, ओ एच यहाँ पे डॉटेड पे दिखाई देगा। तो ये वाला स्ट्रक्चर मुझे ओ एच डॉटेड और यानी सॉलिड मिल गया, लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर जो दूसरा है उसका इनेंशियमर, तो वो नहीं होता है, ये दोनों स्ट्रक्चर एक ही है, क्योंकि ये मॉलिक्यूल को आपको कोई भी व्यू से देखेंगे तो वो एक ही मॉलिक्यूल है, तो आप अलग अलग स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं। तो ये आपको मिल गया एक ही आइसोमर, ओके उसका एक ही इनेंशियोमर। दूसरा आपको लाने के लिए कार्बोनिल फेस चेंज करके आपको दूसरा मैकेनिज्म वो लिखना पड़ेगा, तो हम वो भी देखेंगे। ओके यहाँ पे कोई दिक्कत है किसी को, मॉलिक्यूल देखने में दिक्कत आती है, ओके ठीक है। तो ये हो गया जिमरमैन ट्रेक्सलर ट्रांजिशन स्टेट, ये होगा एक
व्यू से। तो इस ये जो है ये कैरोथर्स बुक्स का है या उसमें दिया है। अब जिमरमन ट्रेक्सलर जो क्लेडन बुक्स है, क्लेडन में क्या किया है कि साइड में आपको जो आपका इनोलेट है, ओके, यहाँ पे फिर से हम एक बार इनोलेट निकालेंगे, एमई रहेगा अपोजिट ओ एल आई के, और यहाँ पे आर ग्रुप, ठीक है, और इसी के साथ अल्डिहाइड आपको ऐड करना है। तो यहाँ पे जिमरमन ट्रेक्सलर के लिए मुझे एक चेयर गेस करना पड़ेगा, चेयर मुझे गेस करना पड़ेगा, ओके, चेयर बना दिया। अब इसमें क्लेडन के बुक में से हमको ये बताना है, तो क्लेडन में आपका जो डबल बॉन्ड है इनोलेट का वो साइट वाले 6 मेंबर पे दिया है यहाँ पे, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो आगे बढ़ाते हुए ओ एल आई की तरफ बढ़ गया, ये हो गया। तो ये इनोलेट का हाफ पार्ट हो गया। इनोलेट में यहाँ पे जो आर ग्रुप है वो ओ एल आई के कार्बन पे है, तो ये ऊपर ही जाएगा। मिथाइल ग्रुप कहाँ पे होना चाहिए, तो आर के साथ एने, यहाँ पे आपको लिखना है हाइड्रोजन, और यहाँ पे होगा आपका मिथाइल ग्रुप, ओके, क्योंकि ओ एल आई और मिथाइल अपोजिट होना चाहिए। तो ये आपका हो गया इनोलेट पार्ट। क्या किया हमने, तो डबल बॉन्ड हमने लगा दिया, उसी के साथ ओ एल आई आगे बढ़ा दिया और आर ग्रुप उस कार्बन पे अटैच किया। देन दूसरा कार्बन जो डबली बॉन्डेड है उसको हाइड्रोजन और मिथाइल, तो हाइड्रोजन कहाँ पे लिखा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन देखेंगे तो वो ऑक्सीजन की तरफ है, तो ऑक्सीजन की तरफ से हमने निकाल दिया, और मिथाइल जो है वो अपोजिट टू ओ एल आई। अब इसमें आपको अल्डिहाइड ऐड करना है, तो अल्डिहाइड को लाने के लिए उसको ओ एल आई का सपोर्ट बहुत होगा। ओ एल आई जो है वो क्या करेगा, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन यहाँ पे तो इसको बॉन्ड करेगा, चिलेशन फॉर्म करेगा। ऑक्सीजन आ गया, तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाला है, तो ये डबल बॉन्ड वाला ऑक्सीजन हो गया। उसी के साथ क्या है इसमें, इसी में आपको पीएच और एल हाइड्रोजन लिखना है। पीएच अगर ऊपर लिखता हो तो वो सुडो एक्सेल होगा, ये आपका माइनर प्रोडक्ट देगा, इसलिए पीएच इक्वेटोरियल पे लिखना है मेजर प्रोडक्ट के लिए, और हाइड्रोजन आपको ऊपर लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका जिमरमैन ट्रेक्सलर ट्रांजिशन स्टेट, ओके, और इसमें हमने डबल बॉन्ड साइड से लिया है, पिछले वाले ट्रांजिशन स्टेट में हमने पीछे की तरफ लिया था, ठीक है। अब अटैक करना है, यहाँ पे अटैक करने के लिए फिर से वही हमारा रूल रहेगा कि ओ एल आई से बॉन्ड निकलेगा, तो ये आपका ओ एल आई, ओ एल आई का बॉन्ड जो है सी डबल बॉन्ड ओ बनाने में आएगा, ये आपका डबल बॉन्ड आगे कार्बोनिल पे अटैक करेगा, और कार्बोनिल ऑक्सीजन ओ जो है एल आई की तरफ बढ़ेगा, ओ एल आई लेगा। अब यहाँ पे नया जो बॉन्ड बनता है, नया बॉन्ड हम दिखाएंगे ब्लैक कलर से, तो यहाँ पे नया बॉन्ड जो है देखेंगे आप, तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। अब पीछे वाला कार्बन है या रेड कार्बन जो है, रेड कार्बन, तो ये रेड कार्बन जिसमें पीछे की तरफ क्या होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, ये आयर जैसे ही वैसे, तो ये पीछे वाला कार्बन, यहाँ पे मिथाइल जो है ऊपर की तरफ है, ये मिथाइल हो गया, और ये हाइड्रोजन नीचे, ठीक है। अब ये शेप कैसा होता है, ये वाई शेप दिखता है, ओके, वाई शेप। अब जो फ्रंट कार्बन या जो अल्डिहाइड कार्बन है उसको हमको लिखना है, तो वो अल्डिहाइड कार्बन कैसे लिखेंगे, तो ऊपर की तरफ हाइड्रोजन है, यहाँ की तरफ पीएच है, और यहाँ पे ओ एल आई, तो इसका शेप बनता है इनवर्टेड वाई, उल्टा वाई। अब ये एकदम हमारा सो हॉर्स जैसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि सो हॉर्स में जो हमारा बॉन्ड होना चाहिए वो नीचे की तरफ होना चाहिए, यहाँ पे बॉन्ड जो है ऊपर की तरफ उठा है, यानी ओ एल आई वाला अल्डिहाइड वाला कार्बन वो आपका फ्रंट कार्बन है जो चेयर में आपके सामने आता है, ये ऊपर की तरफ हुआ है, तो उसको पहले नीचे खींचना है, ओके, तो यहाँ पे मैं नीचे आपको उसको खींच के बता दूंगा, ओके, खींचो मैं,
तो ये आपका सिंगल बॉन्ड जो है इस फॉर्म में नीचे आगे बढ़ेगा। ओके, तो ये कार्बन और ये कार्बन, इसको आप रेड वाले को नीचे नहीं ले सकते बिकॉज वो पीछे वाला कार्बन बनेगा। ठीक है, अगर वैसा नीचे लेंगे तो उसका स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे केयरफुली जो आगे वाला बॉन्ड है, यहाँ पे देखेंगे तो ये कार्बन कार्बोनिल कार्बन है, वो आगे वाला बॉन्ड बनेगा आपका। आगे वाला बॉन्ड जो हमने ब्लू कलर से लिखा है उसको पहले हम फिनिश करते हैं। तो हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन तो ऊपर ही है, ओके, उसमें कोई चेंज नहीं। पीएच जो है वो भी जहाँ है वहाँ लेफ्ट में है, और जो ओ एल आई है वो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, तो ये हो गया फ्रंट कार्बन। बैक वाला कार्बन रेड वाले से बताना है यहाँ पे, ओके, रेड वाले से। तो रेड वाले में ये होता है वाई शेप में, क्योंकि जैसा हमको दिख रहा है वैसे ही लिखना है वाई शेप। तो ये वाई में एच कहाँ हो गया, नीचे हो गया मिथाइल ग्रुप लेफ्ट की तरफ, और यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ आर जो है वो राइट में। तो ये आपका सौ हॉर्स हो गया। ठीक है, सौ हॉर्स, और इसको हमको जिगजैग करना है। तो जिगजैग के लिए पहले रोटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि कार्बोनिल अप लेके आना है आपको। तो कार्बोनिल में अप लेके आता हूँ सी ओ आर ग्रुप, ओके, तो ये बनेगा वाई शेप। ये कौन सा बनेगा, इन्वर्टेड वाई शेप बनेगा, जहाँ पे मिथाइल ग्रुप कहाँ रहेगा, लेफ्ट में जाएगा, हाइड्रोजन उसका राइट को दिखेगा। देन जो नया बॉन्ड है कार्बन कार्बन, जो सिंगल बॉन्ड बनाए नया, वो नीचे की तरफ आपको खींचना है यहाँ पे। ओके, ये आपका नया बॉन्ड जो था। और फ्रंट कार्बन जो है पीएच ग्रुप है, फ्रंट कार्बन ब्लू से बता रहे हैं हम, वो नीचे की तरफ हम लिखेंगे, पीएच को हमको नीचे लेके आना है। ओके, पीएच अगर नीचे लाते हैं मतलब हमने 60 डिग्री का रोटेशन दिया, इन्वर्टेड वाई से वाई बना दिया। अगर ये नीचे आता है आगे यहाँ पे, तो ओ एल आई आगे बढ़ जाएगा यहाँ पे ओ एल आई, तो वो ओ एल आई हम लिखेंगे ओ एच हाइड्रोलिसिस, वो पानी में ओ एच बन जाएगा, और हाइड्रोजन यहाँ पे एच। ठीक है, तो फिर से हमको सौ हॉर्स मिल गया, और उसका जिगजैग बनाना है हमें। ओके, कार्बोनिल लेफ्ट पे चाहिए तो मुझे यहाँ से देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, और फिर से मैं शाहरुख खान स्टाइल करूँगा, तो फिर मुझे लेफ्ट पे रेड कार्बन्स दिखेंगे और राइट पे ब्लू कार्बन्स। तो जिगजैग मेरा कैसा रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा। ये हो गया कार्बोनिल, और ये आर ग्रुप उसी का, यहाँ पे भी पीएच। तो ये जो नया बॉन्ड है यहाँ पे हमको निकालना है। ठीक है, तो मिथाइल ग्रुप कहाँ दिख रहा है आपको, तो ये तो मेरे सामने ही, मैं पकड़ सकता हूँ उसको। तो ये मिथाइल ग्रुप आपके सामने, मतलब इट इज सॉलिड लाइन पे बताना है। तो ये हो गया सॉलिड लाइन पे, ये हो गया सॉलिड। और OH आपसे दूर जा रहा है, तो दूर मतलब अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, मतलब हम लिखते हैं डॉटेड लाइन पे। तो ये आपको एंटी प्रोडक्ट मिला। ठीक है, तो ये हो गया एंटी प्रोडक्ट। तो ये क्लेडन क्या है, क्लेडन में जो कन्वर्जन है, दैट इज अ सौ हॉर्स, या जो आपका जिगजैग के बाद कैसे ट्रांसफर करना है जिगजैग में, तो वो यहाँ पे कुछ लोग गड़बड़ करते हैं। तो यहाँ पे जो फ्रंट कार्बन है उसको नीचे करके सौ हॉर्स कर दिए, तो वो आपको इजीली हो जाएगा। सिमिलरली ये जो नांस बुक है उसी में भी साइड से आपको कार्बोनिल दिया है, और ये फ्रंट से डबल बॉन्ड, तो इसी को भी जो कैरोथर्स में बताया है तो वो कैरोथर से ही करना है। सो ये जो है वो नांस बुक से है, नांस बुक में ये ऐसे दिया है। तो ये भी आपको अटैक करना है ओ मेटल से, ये आगे बढ़ेगा, देन फ्रंट कार्बन आपका ये बनेगा, तो इसको आपको नीचे खींचना है जैसे हमने अभी क्लेडन के मैकेनिज्म में किया है। और फिर जाके शाहरुख खान स्टाइल में देखना है कि कौन कहाँ पे है और कौन आपके सामने है। ओके, तो आई होप आपको ये मैकेनिज्म समझ में आया रहेगा। वैसे ही हमने सिस का भी वीडियो बना है, तो वो भी आप देख लीजिए एक बार, तो आपको क्लियरली आइडिया हो जाएगा कि स्टेरियो केमिस्ट्री कैसे करना है, क्योंकि स्टेरियो केमिस्ट्री में यही पे आप लोग जो है गड़बड़ करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा लोगों के लिए, ताकि वो स्टेरियो केमिस्ट्री क्या है वो समझ में जाए।